बाइक मेरा बिल्कुल स्टार्ट है, हेड के ऊपर बिल्कुल भी इंजन नहीं आ रहा है, बिग प्रॉब्लम हो गया बाइक के अंदर। एक्सीलेटर देते हैं, इतना ज़्यादा इंजन आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 cc, देख रहे लिखा हुआ क्लासिक 350 cc बुलेट बाइक है। और इस बाइक से बहुत ज़्यादा खट 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 का साउंड आ रहा है, इसका टैपिट साउंड टैपिट नोइज आ रहा है इंजन से खट 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 का। इस बाइक का कुछ दिन पहले हाइड्रोलिक वगैरह टोटल पार्ट चेंज हुआ था, लेकिन इस बाइक को यहाँ पे हम हेड टैपिट कवर को ओपन किए, क्योंकि इससे जब देखिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए मैं आप लोगों के लिए ही बतला रहा हूँ, जिस टाइम मैं यूट्यूब पर काम नहीं कर रहा था उस टाइम मेरे पास एक बुलेट बाइक आया था और उस बाइक में भी सेम प्रॉब्लम था, खट 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 का। और उस बाइक का मैंने टैपिट कवर ओपन किया क्योंकि देखिए वो कस्टमर बोल रहा था कि एक दो मंथ पहले मैंने टैपर हाइड्रोलिक चेंज करवाया था, जो पहले बाइक आया था मेरे पास उस बाइक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक जो चेंज करवाया था तो उसके बाद कुछ दिन चलने के बाद बाइक में आया खट खट का टैपिट का साउंड, इंजन से खट 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 साउंड आने लगा। तो उस टाइम मैंने उस बाइक का देखा ओपन किया और ये दोनों चिड़िया रॉकर को ओपन किया, चिड़िया जो है ना ऐसे केम रॉकर कट चुका था, काफ़ी ज़्यादा कट चुका था, तो एक दूसरे टच का था खट 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 का साउंड क्या आ रहा था। उस टाइम उस बाइक में मैंने टैपर रॉकर अब चेंज किया था, दोनों जो आप देख रहे हैं ना चिड़िया, इस दोनों टैपिड रॉकर को मैंने चेंज कर दिया था। और इस बाइक में आपको टैपिड सेटिंग करने का वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हाइड्रोलिक चेंज करने का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं। भले ही मेरा एज कम हो लेकिन मैं काफ़ी दिनों से बाइक को रिपेयर कर रहा हूँ, तो रिपेयर करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है बाइक के रिलेटिव। तो फ्रेंड देखिए अभी इस बाइक का जैसे ही मैंने इसका दोनों रॉकर को ओपन करके चेक किया, सबसे पहले तो मैं बात कर लो, जैसे ही इस बाइक का टैपिड कवर को ओपन किया तो पूरा ड्राइव पड़ रहा था, पूरा ड्राइव पड़ रहा था। ड्राइव क्यों पड़ रहा था, इस हेड तक प्रॉपर इंजन नहीं आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, और इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था, हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं आ रहा था। ये बाइक को हम अभी स्टार्ट करके आपको दिखला रहे हैं, हेड पर इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये स्विच ऑन कर देखिए, यहाँ पे बाइक मेरा बिल्कुल स्टार्ट है, देखिए यहाँ पे ये जो छेद देख रहे हैं ना बिल्कुल बारीकी सा, इस छेद से होते हुए इंजन ऑयल यहाँ पर आता है कैबिन के पास। बाइक को कितना भी स्लीपर देते हैं इंजन ऑयल प्रॉपर यहाँ पर नहीं आ रहा है, बिल्कुल खराब चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, देखिए थोड़ा थोड़ा करके इंजन ऑयल यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है, देख रहे हैं आप, देखिए दोनों तरफ इंजन ऑयल तो आ रहा है लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल रहा है, इसलिए इस बाइक का चिड़िया रॉकर अभी तक नहीं घिसा है, नहीं तो घिस करके तो इसका कचूमर बन गया रहता। अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है खट खट का इंजन में टैपिट नोइज आ रहा है, सबसे पहले आप टैपिट कवर को ओपन नहीं कीजिएगा, इंजन ऑयल का पंप चेक करने का मैं आप लोगों को तरीका बतला रहा हूँ, उस तरीका से आप इंजन ऑयल का पंप चेक कीजिएगा। पंप खराब है, वो कैसे चेकअप करना है, इसका जो कवर लगा है ऑयल पंप, यहाँ पर जो ऑयल फिल्टर लगता है इस कवर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इसको हम ओपन कर लिए इंजन ऑयल फिल्टर, और यहाँ पर आपको शायद कैमरा में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक होल दिख रहा है ना, एक हॉल, देखिए जैसे बाइक को स्टार्ट करेंगे इस हॉल से इंजन ऑयल बिल्कुल आना चाहिए। देखिए बाइक स्टार्ट है और देखिए इंजन ऑयल जो है ना कितना कम कम कर आ रहा है, जितना इंजन ऑयल आना चाहिए प्रॉपर भरपूर मात्रा में उतना इंजन ऑयल नहीं आ रहा है। अगर इंजन ऑयल नहीं आ रहा है भरपूर तो क्या होगा, इस हॉल होकर के इंजन ऑयल जो जाएगा ना टैपिट तक, वो इंजन ऑयल प्रॉपर हेड तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसके प्रॉब्लम से मैं खट 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 टिक 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 का साउंड आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बाइक का एक आर एच कवर को ओपन करेंगे और चेकअप करेंगे कि इसका इंजन ऑयल पंप कैसा है, अगर पंप डेड कर गया खराब हो गया होगा पंप नया डालेंगे। एक प्रॉब्लम और भी आपको, इसके ऑयल पंप में एक ओरिंग लगता है बिल्कुल पतला सा, कहीं पर अगर यह आर एच कवर ओपन करवाया होगा तो ओरिंग बाहर गिर गया होगा तो भी इस बाइक में इंजन ऑयल प्रॉपर हेड तक नहीं जाएगा और खट 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 का साउंड आएगा, क्योंकि इस बाइक में आप हम देख रहे हैं चेन सेट बिल्कुल नया लगा हुआ, हो सकता है चेन सेट चेंज करने के लिए मैकेनिक ने आर एच कवर को ओपन किया हो, ओरिंग गिर गया हो, ये भी हो सकता है। तब आर एच कवर ओपन करने के बाद ही मुझे कवर ओपन करते वक्त क्या होती है, ओरिंग जो है ना बाहर गिर जाता है, जब हम चेन एस वगैरह चेंज करने के लिए इसको ओपन करते हैं तो उस टाइम हो सकता है ओरिंग बाहर गिर गया, उस टाइम भी ये
इंजन ऑयल प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि पंप तो आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन ये ओरिंग गिरने के कारण इंजन ऑयल प्रॉपर इंजन में ही चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए ओरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बाइक का ऑयल पंप भी डेड कर गया, खराब हो गया। खराब क्यों है ये भी बतलाएंगे। इस बाइक का मैग्नेट ओपन कर लिया, इस तरह से प्लेट लगा था, इस प्लेट को भी हमने ओपन कर दिया, क्योंकि ये जो आप देख रहे ना टैपेट पिनियन, दोनों पिनियन को लॉक करके रखता है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो एक टैपेट पिनियन है, गियर है, इस एक गियर को खोल करके बाहर निकालना, उसके बाद ही ऑयल पंप खुज करके बाहर आएगा। अब जो है इस गियर, ये जो पिनियन है, इस पिनियन को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको देख लिया, आप इसका टाइमिंग वगैरह हमने टोटल चीज सेटिंग कर लिया। देखिए आप दो पंचिंग क्या, यहाँ पे दो पंचिंग क्या है, इस दोनों को इस सेंटर पर ला लिया। दूसरा जो यहाँ पे देखिए दो पंचिंग, इसको सेंटर कर लिया। अब हम चलिए इस पिनियन को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 3 mm का एल की रिंच टोटल बोल्ट को खोल करके इस पिनियन को, ऑयल पंप को बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए इस पिनियन को भी ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पिनियन को हम बाहर निकाल लेते हैं। पहले हम इस ऑयल पंप लॉक को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए लॉक मेरा खुल करके बाहर आ गया और ये ऑयल पंप का पॉकेट देखिए बाहर आ गया। देखिए किस तरह से घिस चुका है इसका दांत एक एक करके। अब ये 13 mm का 200 डाल रिंच लेंगे और इस दोनों नट को खोल करके बाहर निकालेंगे, फिर ये पिनियन को बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे वार्सल दिया, इस वार्सल को बाहर निकाल, दोनों में एक एक वार्सल लगा है लेकिन इसको कुछ नहीं करना है। बाहर निकाल लेते हैं, ये नट खुज करके बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइमिंग गियर को तो बाहर निकाल लेंगे। देखिए जैसे बाहर निकाले, हाइड्रोलिक भी नीचे चला है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बूश को भी बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे कुछ साइड में रख लेते हैं इन सब पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 चार ठो बोल्ट लगा है, चारों बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है 3 mm के एल की रिंच से। थोड़ा नज़दीक से दिख लीजिए, तो फिर देखिए इसका जो ऑयल पंप था वो खुल करके बाहर आ गया। देखिए आप यहाँ पे तो इसके अंदर बोल्ट मिल रहा है, अरे ऑयल पंप जो है ना खुज करके बाहर आ गया। यहाँ पे देख रहे कितना ज़्यादा कचरा वगैरह जम गया इसके अंदर, वहाँ पे छोटा छोटा जो पिनियन देख रहे हैं टोटल पिनियन का तो खराब हो जाता है, उसके प्रॉब्लम से ऑयल पंप जो है जो वर्क करना छोड़ देता है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं, इस यहाँ के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पेंच को ओपन करेंगे। तो फिर देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पेंच को हम ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे, इस फिल्टर को देखिए पार्ट बाय पार्ट किए। यहाँ पे देखिए इसका पार्ट फूट जा सकता है, किस तरह से घिस चुका है। अब यहाँ पे इसका जो पिनियन है ना, ये पिनियन जो ऑयल पंप के ऊपर तक पहुँचा, देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से घिस चुका है। ये रन करते रहते हैं, इसके अंदर घिस चुका है, बिल्कुल घिस चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख लेंगे। अब इसमें हम नया ऑयल पंप इंस्टॉल करेंगे। ये है ऑयल पंप असेंबली किट रॉयल इनफील्ड का, इंजन ऑयल पंप है जो इंजन ऑयल को ऊपर तक पहुँचाता है, हेड तक इंजन में छिड़काव करता है। और इसका प्राइस का बात कर लीजिए, 721 रुपये इसका प्राइस है। पार्ट नंबर का बात कर ले तो देखिए यहाँ पे आपको पार्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। और पैकिंग डेट का बात कर ले तो 2022 का पैकिंग है, तो प्राइस कम बेसी होते रहते हैं, प्राइस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग यहाँ से फटाफट से। देखिए इसको तो अनबॉक्सिंग कर ले, देखिए कितना प्यारा सा ये पैकिंग किया गया है। और इसके अंदर आपको दो चीज़ मिल रहा है, देखिए एक ये गियर स्पॉकेट मिल रहा है, ये स्पॉकेट है, स्पॉकेट मिल रहा है और एक ऑयल पंप मिल रहा है। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, किस तरह से वर्क कर रहा है। और इसके चलिए हम फटाफट से इस ऑयल पंप को इसके अंदर टाइट कर लेते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, इसका जो फेस है इसको अच्छा से हम क्लीन कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऑयल पंप का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसको अच्छा से हम टाइट कर लिए हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका जो ऑयल पंप जो खराब होने का एक मेन प्रॉब्लम है वो हम आपको बताएं, वो है बाइक का सेक्शन फिल्टर। जी हाँ फ्रेंड, इस सेक्शन फिल्टर के ऊपर देखिए कितना ज़्यादा डस्ट जमा था, कचरा जम गया था। इसके प्रॉब्लम क्या हो गया कि सेक्शन फिल्टर ब्लॉक कर गया ऑयल पंप को, प्रॉपर इंजन ऑयल में सूखा चलने के कारण ऑयल पंप इसका खा रहा है। सेक्शन फिल्टर का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सेट करेंगे ये पिनियन टाइमिंग गियर, इसको सेटिंग करेंगे, टाइमिंग पिनियन को सेटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका मैग्नेट वगैरह टोटल ताम झाम इसमें फिट करके इंजन ऑयल डाल के आप लोगों को दिखला रहे कि हेड पर प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल नहीं आने के प्रॉब्लम से इस बैग में खटखट का साउंड आ रहा था, यह आपको तो हम सुनाए थे। अब इंजन ऑयल इसमें डालने के बाद टोटल प्रोसेस चेक करते हैं कि इसके इंजन ऑयल प्रॉपर आ रहा है या नहीं। गियर टाइमिंग पिनियन को हम यहाँ पे सेटिंग कर लिए हैं, अब हम इसमें सेट करेंगे नट को प्रॉपर जाम कर दिए टाइट करके। अगर टैपिट इसका कैसे सेटिंग कर जाता है, टाइमिंग पिनियन किस तरह सेटिंग किया जाता है, आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आपके एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। और ये जो देख रहे हैं डीकंप्रेसर है, डीकंप्रेसर को कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आप इसमें हम सेट करेंगे ऑयल पंप एस पॉकेट।
देखिए ऑयल पंप का स्पॉकेट भी यहाँ पर नया मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे फिट। इसमें कोई टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं सेटिंग करना है। उसके बाद इसका ये लॉक मिल रहा है, इस लॉक को यहाँ पे देखिए हम सेटिंग कर लेते हैं। देखिए लॉक मेरा प्रॉपर सेट हो गया, आपको इस तरह से इसको रन करके चेक कर लेना है। प्रॉपर लॉक मेरा सेटिंग हो गया, टाइमिंग गियर पिनियन सेटिंग हो गया। अब इसके ऊपर हम ये प्लेट को सेट कर लेते हैं। प्लेट सेट करने से पहले आपको बताया इस पर दो ठो वार्सल दिया जाता है, एक वार्सल इसके अंदर ये प्रॉपर सही है, दूसरा वार्सल हम इसके अंदर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इस प्लेट को यहाँ पर सेटिंग कर ले जो पिनियन को लॉक करके रखता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस बाइक का काम जो था मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस बाइक का देखिए यहाँ पे इंजन ऑयल का जो फिल्टर है वो खुला ही है, जैसे हम बाइक को किक दबाएंगे भरपूर मात्रा में यहाँ से इंजन ऑयल आएगा। थोड़ा किक दबाइए तो भैया, देखिए आपको दिखला रहे लाइव प्रूफ के तौर पर, देखिए किस तरह कितना इंजन ऑयल देखिए भभक रहा है। इंजन ऑयल का पंप खराब होने देख रहे कितना प्रॉब्लम होगा। इस बाइक का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए पुराना वाला जो हेड ओरिंग था, यहाँ पे टैपिट कवर का ओरिंग था, दो ठो डाल दिए ताकि बाइक जब भी स्टार्ट होगा ना तो इंजन ऑयल बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम एक एक ओरिंग डाल दिए हैं। और देखिए इधर से इंजन ऑयल डाल दिया, साइलेंसर टाइट कर लिए, किक टाइट कर लिए, यानी कि बाइक का मेरा बिल्कुल काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने एक बॉटल फिट कर रखे हैं जो कार्बोरेटर में पेट्रोल जाएगा, फ्यूल जाएगा, क्योंकि बाइक का फ्यूल टैंक बाहर उतारे हैं। और हम आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखला रहे कि मेरा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि बाइक के इंजन ऑयल हेड पे प्रॉपर आ ही नहीं रहा था। चलिए हम बाइक का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। देखिए बाइक को हम करें यहाँ पे स्टार्ट, बाइक मेरा फाइनली स्टार्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात करने की, देखिए बाइक में टैपिट का जो किट 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 का साउंड था, साउंड में आप बिल्कुल चलाया, साउंड बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए किट 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 का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइलेंसर को हम ब्लॉक किए हैं। देखिए इंजन के पास साउंड बिल्कुल फटर 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 का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा, नया जैसा साउंड हो गया इस बुलेट बाइक का। और जो प्रॉब्लम था इस बाइक के अंदर, हेड पे इंजन ऑयल नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इंजन ऑयल चुक्का मार रहा है, ये सिरिंज से दवाई बाहर निकलता है नीडल से, उस तरह देखिए आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, ये चुक्का मार रहा है दोनों तरफ। देखिए इंजन ऑयल किस, क्योंकि पहले ऐसा इंजन ऑयल आ ही नहीं रहा था इसके प्रॉब्लम से, क्या हाइड्रोलिक को भी प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं मिल रहा था। और ये सब जो प्रॉब्लम हुआ, तो फ्रेंड्स देख लिए बाइक को एक्सीलेटर देते हैं, इतना ज़्यादा इंजन ऑयल आ रहा है, पहले इसके अंदर इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा था, अब देख लीजिए कितना इंजन ऑयल आ रहा है। तब इस बाइक का टैपिट का कवर वगैरह टोटल चीज चेक करके फिर आपको हम बाइक का साउंड सुना रहे, क्योंकि अब इसका टैपिट कवर ओपन है, तो टैपिट कवर ओपन होने के प्रॉब्लम से इसका फरफर का थोड़ा साउंड सुनाई देगा। तो फ्रेंड्स इस बाइक का तो हमने टैपिट कवर इसलिए ओपन किया था, मैंने सोचा कि इस बाइक का कि चिड़िया रोकर जो घिस चुका है, लेकिन इस बैग में चिड़िया रोकर घिसा नहीं, इस बैग में दूसरा ही प्रॉब्लम था। देखिए इस बैग का हमें टैपिट कवर चेंज कर लिए, टैपिट कवर पर ओरिंग जो लगता है यहाँ पे, जब भी आप टैपिट कवर ओपन करें तो दोनों ओरिंग को चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए इसका काम बिल्कुल कम्प्लीट हो गया। अब हम इस बैग को स्टार्ट करके फिर से आप लोग एक बार साउंड सुना रहे, क्योंकि टैपिट कवर खुला था तो उस टाइम थोड़ा साउंड आपको डिफरेंट लग रहा था देखने में। देखिए फाइनली मेरा बाइक स्टार्ट है और देख रहे हैं झरझर फड़फड़ का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, साउंड जो है बिल्कुल प्रॉपर सही हो गया, साउंड रिलेस बाइक हो गया, नया जैसा साउंड हो गया। तो फ्रेंड जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि सेक्शन फिल्टर किस तरह से क्लीन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं और सेक्शन फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। सेक्शन में रबर भी लगा है, एक बरसाती भी, इससे साउंड टकराता है, फटाक फटाक का साउंड आ रहा है, नहीं तो इंजन का साउंड इससे और थोड़ा अच्छा लगता है देखने में आप लोगों को।